सच के साथ। गंगा के जलस्तर में इन दिनों बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते गंगा में शैवाल भी अब समाप्त हो चुके हैं। दूसरी ओर गंगा में अचानक बढ़े हरे शैवालों की वर्तमान स्थिति जानने हेतु नमामि गंगे टीम ने शुक्रवार को 80 से राजघाट तक गंगा के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद ये पाया गया कि मिर्जापुर विंध्याचल के पास लोदी नदी से बहकर गंगा में आए शैवाल अब समाप्त हो गए हैं। गंगा में पर्याप्त प्रवाह भी दिखाई दिया। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व ही काशीवासियों की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से गंगा की अविरलता के लिए गुहार लगाई गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने काशी की तरफ से लगाई गई गुहार को संज्ञान में लेकर स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा लखनऊ को अविलंब जांच के निर्देश दिए और गंगा के प्रवाह को बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वाह किया। गंगा में प्रवाह बढ़ने से काशी का गंगा क्षेत्र अब शैवालों से खाली हो गया है। जिस तरह से पहले पानी का रंग हरा दिख रहा था वह बिल्कुल साफ हो चुका है। निरीक्षण के दौरान नमामि गंगे टीम ने लाउडस्पीकर द्वारा लोगों से गंगा और घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने, निरंतर साबुन से हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बेवजह घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक और भीड़भाड़ भरे इलाकों में न जाने का भी आग्रह किया। इस दौरान राजेश शुक्ला ने कहा कि अविरलता नदियों की प्राण वायु है, अविरल गंगा ही निर्मल हो सकती है। गंगा में पर्याप्त प्रवाह किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने में सक्षम है। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा में प्रवाह बनाए रखने व गंगा में बहकर आए शैवालों के लिए त्वरित उठाए गए कदम के हम काशीवासी आभारी हैं। निरीक्षण और जागरूकता के दौरान प्रमुख रूप से राजेश शुक्ला, शिवदत्त द्वेदी, शिवम अग्रहरि, राम प्रकाश जायसवाल आदि उपस्थित रहे। काशी में 80 से राजघाट तक जो हरे शैवाल आए थे, जो कि मिर्जापुर विंध्याचल की लोदी नामक नदी से बहकर आए थे, वो बिल्कुल बह गए हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी शैवाल दिखाई नहीं दे रहा है। सच के साथ।